हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि डेली बजने वाला अलार्म कैसे लगाएं, एवरीडे बजने वाला अलार्म कैसे सेट करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कोई सा भी अलार्म लगाते हैं तो मेरा अलार्म एक दिन बजता है, उसके बाद मेरा अलार्म बंद हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें हर रोज़ अलार्म लगाना पड़ता है, तभी जा कर के मेरा अलार्म बजता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ तो उस ट्रिक का यूज करके आप अलार्म लगाएंगे तो आपको हर दिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस टाइम पर लगाएंगे उस टाइम पर आपको एवरीडे बजने लगेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, डेली बजने वाला अलार्म लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अलार्म नाम से एप्लीकेशन मिलेगा या फिर आपको क्लॉक नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, तो उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पर हमें प्लस का आइकन मिलेगा, देख सकते हैं। तो अब दोस्तों, इस प्लस वाले आइकन पर हमें क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें एएम और पीएम मिलेगा। तो यहाँ पर हम अपना एएमएस सेट करना चाहते हैं अलार्म, तो यहाँ पर हम एएम सेलेक्ट करेंगे। पीएम में लगाना चाहते हैं अलार्म, तो यहाँ पर पीएम में सेलेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता दूं कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक एएम होता है। तो आप यहाँ पर अगर रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक कोई भी अलार्म लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एएम सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कोई भी अलार्म लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पीएम सेलेक्ट कर लीजिए। और एएम और पीएम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें दूसरे वाले सेक्शन में यहाँ पर आवर सेलेक्ट करना है, यानी कि घंटा सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम 6 बजे लगाना चाहते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दूसरे वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हमें अपना आवर सेलेक्ट करना है, यानी कि घंटा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना आवर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि हमें 6 बजे लगाना है और वही अलार्म हमें रोज़ का रोज़ 6 बजे बजने लगे। तो यहाँ पर हम 6 सेलेक्ट किया हूँ, देख सकते हैं, यानी कि 6। और कितने मिनट में लगाना है वो मिनट यहाँ पर क्लिक करके हम अपना मिनट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम 6 बजे, करेक्ट 6 बजे यहाँ पर हम अलार्म लगा लेते हैं, करेक्ट 6 बजे यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें एएम में लगाना है तो यहाँ पर हम एएम सेलेक्ट किए हैं, देख सकते हैं, 6 बजे एएम यानी कि मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मेरा टाइम सेट हो चुका है। अब यहाँ पर डेली बजने वाला अलार्म लगाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा रिपीट, देख सकते हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पर हमें रिपीट पर क्लिक करना है। रिपीट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें डेली पर क्लिक करना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेली पर सेलेक्ट करता हूँ। डेली पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, अगर आप अपने अलार्म में कोई सा भी अपने चॉइस के हिसाब से कोई सा भी सॉन्ग लगाना चाहते हैं, म्यूजिक लगाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ एंड उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो अब यहाँ पर हमें राइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 बजे अलार्म डेली बजेगा, यानी कि एवरीडे बजेगा। तो कुछ इस तरीके से आप डेली बजने वाला अलार्म लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यह जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। जब तक के लिए।